हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल। नई रेनो डस्टर को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। BS6 पेट्रोल वेरिएंट को ही लॉन्च किया गया है। इसे 8,50,000 रुपए एक्स शोरूम कीमत पर उतारा गया है। BS6 रेनो डस्टर को सिर्फ पेट्रोल वर्जन में ही अभी लॉन्च किया गया है। इसके फर्स्ट लुक को आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओके कार 24/7 पर। रेनो डस्टर BS6 पेट्रोल को कुल 3 वेरिएंट में उपलब्ध कराया गया है, जिसमें RXE, RXS और RXZ शामिल हैं। इसके टॉप वेरिएंट RXZ की कीमत है 9,99,000 रुपये। कंपनी डस्टर को डीजल BS6 अवतार में नहीं लाने वाली है। साथ ही पेट्रोल CVT ऑटोमेटिक वेरिएंट को भी हटा दिया गया है। रेनो ने BS4 डस्टर की बिक्री भी बंद कर दी है। नई रेनो डस्टर में BS6 वाला 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन लगाया गया है, जो 105 BHP की पावर जनरेट करता है और 142 NM का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड रूप से लगाया गया है। रेनो जल्द ही भारत में डस्टर का दमदार वर्जन लाने जा रही है। रेनो डस्टर को टर्बो पेट्रोल अवतार में भी इसी साल उतारा जाना है, जिसे ऑटो एक्सपो 2020 में पेश किया गया था। रेनो डस्टर में टर्बो वर्जन में 1.3 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन लगाया गया है, जो 153 BHP का पावर और 250 NM का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ CVT गियरबॉक्स का विकल्प भी दिया जा रहा है। हाल ही में रेनो डस्टर का फेसलिफ्ट अवतार लाया गया था, जिस वजह से इसके लुक आदि में ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए थे। सिर्फ इंजन को ही अपडेट किया गया था और अब लेटेस्ट अपडेट के साथ आ गई है आपके सामने नई रेनो डस्टर। इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स है अगर आप पाना चाहते हैं तो आप अपना यूट्यूब चैनल ओके कार 24/7 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसी ही रोज़ इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके आता रहता हूँ कार से जुड़ी। इसके अलावा आप हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जाकर ओके कार 24/7 आप सर्च करेंगे तो आपको ये पेज मिल जाएगा, जहाँ पर आप लेटेस्ट अपडेट की फ़ोटोज़ वगैरह देख सकते हैं। उस पेज को भी फॉलो कर लेना और YouTube चैनल को खास करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूं तो आपके सामने उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। कल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।